सिंधिया के बचाव में उतरी पूरी बीजेपी। गद्दार नहीं खुद्दार है ज्योतिरादित्य। कांग्रेस लगातार सिंधिया को बता रही है गद्दार। सिंधिया की बगावत के चलते ही गिर गई थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता रही है। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस का यह अभियान 3 साल पहले उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उनके पास कोई पद नहीं था। सिंधिया न सांसद थे, न विधायक थे और न ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस पद पर वो लगातार मांग कर रहे थे। सिंधिया को राज्य की राजनीति से भी दूर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर दी। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक बागी हो गए थे और इसका नुकसान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को हुआ और बहुमत वाली सरकार अचानक ही अल्पमत में चली गई। सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई तो कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हर नेता गद्दार ठहराने लगा है। तो सिंधिया के बचाव में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान में सीएम शिवराज ने कहा, सिंधिया गद्दार नहीं बल्कि खुद्दार नेता है। सिंधिया के साथ जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया, उसे सुनकर और सहन करके कोई भी खुद्दार नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। चुनाव लड़ा गया सिंधिया के चेहरे पर और जीत के बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया बुजुर्ग कमलनाथ को। इसके बाद जब सरकार बनी तो कमलनाथ सिर्फ चेहरा थे, पीछे से सरकार पूरी तरह से दिग्विजय सिंह चला रहे थे। शिवराज ने कहा कि सिंधिया ने जब भी जनता के हकों की बात की, जनता के कामों को कराने की बात की, उसको दरकिनार किया गया। सिंधिया को चैलेंज भी दिया गया कि अगर वे सड़क पर उतरते हैं तो गाड़ी से दूसरे पार्टी को छोड़ जाएंगे। उस समय कमलनाथ के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने का इतना अहंकार था कि वे अपने ही विधायकों से मिलने तक नहीं गए थे। आम जनता से मिलने की बात तो दूर की कौड़ी है। इसके बाद सिंधिया को खुलेआम चैलेंज भी करने लगे। सिंधिया को लेकर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो गलत है और ओछी राजनीति का हिस्सा है। शिवराज ने सिंधिया का समर्थन करते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय को सिंधिया कुछ भी कहने का हक नहीं है। किसी के रहमो करम पर हमारी सरकार नहीं चल रही है। सिंधिया और उनकी टीम के विधायकों ने इस्तीफा दिया और उपचुनाव में बंपर जीत कराए, तब बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे ही हवा में सब कुछ नहीं हो गया। कांग्रेस का तो अब भगवान ही मालिक है। शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। वैसे बीजेपी के दूसरे नेता भी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि चेहरा भले ही कमलनाथ हो लेकिन बीजेपी को मुकाबला दिग्विजय सिंह का ही करना है। दिग्विजय के सिंधिया पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया है। किसी ने उन्हें पाकिस्तान में पैदा होने तो किसी ने चीन में पैदा होने की बात कही है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया समर्थक मंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखे तंज कस रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के बयान पर हंसते हुए कहा, मुझे हंसी आती है, उनके बयान मेरे खिलाफ कहने को कुछ है ही नहीं। ईडी सीबीआई भेज नहीं सकते, अब क्या बचा? पाकिस्तान जन्म लो, चाइना चले जाओ, मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मेरी जान जाएगी। ना पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, इनकी छाती पर ही मूंग दलता रहूंगा। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान ना तो जनता को भरोसा है और ना ही कांग्रेस पार्टी को, जिससे वो सांसद हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति में विरोधियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पता नहीं उज्जैन आकर दिग्विजय सिंह की मति कैसे भ्रष्ट हो गई। दिग्विजय सिंह को अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की भाषा इतने वरिष्ठ नेता के लिए शोभा नहीं देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज़।